आज की क्लास में हम जो है एसएससी का प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। प्रोग्रेशंस पे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, भी अच्छा रहता। सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है अपने को। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, एग्जांपल्स देके समझाता हूँ मैं। सपोज हमारे पास कोई सीरीज है, समझो कोई प्रोग्रेशन है 1, 4, 7, 10, 13, so on। आप इसको गौर से देखिए, ये जो सीरीज फॉर्म हो रही, ये ऐड करने से फॉर्म हो रहा। कैसा बोलिए, 1 + 3 7 7 sorry 4 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 3 13। तो ऐड करने से फॉर्म हुआ तो एपी बोलते हैं। जैसे और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, है ना, 2 ऐड करने से फॉर्म हो रहा है। तो ऐड करने से फॉर्म हुआ तो एपी बोलेंगे, याद रख लीजिए पहली चीज। दूसरी चीज जो है, अब इसमें डिफरेंस सेम आता हो, ये 2 माइनस करिए आप 3 आता, ये 2 माइनस करिए 3 आता, ये 2 माइनस 3 करिए 3 आता, इसको भी माइनस करिए 3 आता, तो इसमें डिफरेंस सेम आता। सो ऐसे उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को A1 से बताएंगे, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, A4 से, A5 से, ठीक है। तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को A, है ना, फर्स्ट टर्म को A से बता दिया। A का मतलब है फर्स्ट टर्म, A1। बास बुक्स में A1, A2, A3 के बजाय T1, T2, T3 भी लिखते हैं, सेम बोले सा हो, चाहे आप T3 बोलो या A3 बोलो, एक ही बात बोले सर। तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या रहेगा, A, और D का मतलब क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस, पूरा डिफरेंस सेम है। अब पूरे माइनस करिए तो अपने एक माइनस करिए तो बस A2 माइनस A1, है ना। तो अब सबसे पहले देखिए, इसमें डी 1 में 3 ऐड करो 7, फिर सॉरी 4, 4 में 3 ऐड करो 7। तो फर्स्ट टर्म को हम A बताएंगे, है ना। अब जनरल फॉर्म कैसा रहता बताना चाहूँगा। देखिए फर्स्ट टर्म A लिख डालो कॉमन, अच्छा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में ए पी से डालो, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म A रहेगा, इसमें D ऐड करो, दूसरा टर्म हो जाएगा A+D, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा A+2D, फोर्थ टर्म हो जाएगा A+3D, फिफ्थ टर्म हो जाएगा A+4D। तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए पी। देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, ये है फिफ्थ टर्म। आप थोड़ा गौर करेंगे तो nth टर्म कैसा बनेगा समझ में आता है। इसमें ये 5 है तो 4 एक कम आ रहा, 4 है तो 3 आ रहा, 3 है तो 2 आ रहा, 2 है तो 1 आ रहा, तो therefore अब nth टर्म का फॉर्मूला बनाएंगे। nth टर्म बोलते याद रखे ना, और जनरल टर्म यानी कोई टर्म मान करना है तो जब ये फॉर्मूला यूज करना, nth टर्म और जनरल टर्म, ठीक है। इसको लिखते हैं हम an से, बास बुक्स में tn से लिखे हुआ रहता हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लेंगे, एक कम आ रहा ना, 5 है तो 4, तो n है तो n माइनस 1 लेगा, a प्लस एक कम करना उसको, n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कोई भी टर्म ऑन करना है तो जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब भी बताना, मैं a का मतलब है था फर्स्ट टर्म, और d का मतलब है था कॉमन डिफरेंस, A2 - A1, ठीक है। और दूसरी चीज जो है ना यहाँ पे याद रखने के बारे में, अपन ये फॉर्मूला तो यूज करेंगे, खाली भी याद रख लेना। सपोज 10th टर्म मान करना है, कैसे लिखेंगे इसको, A+90, एक कम करना। 15th टर्म मान करना है, क्या मान करना, कैसे लिखेंगे, A+14D। तो सिर्फ एक डी कम हो जाएगा nth टर्म, है ना। 10th टर्म है A+90, 8th टर्म है A+70। तो ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इस पे अपने को क्वेश्चंस करना है। देखिए अब एक क्वेश्चन लिखा मैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना मन क्या दे रहा, फाइंड द 31st टर्म, A31 टर्म कैसे लिखेंगे, A31 पूछ रहा हूँ ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म A11 इक्वल्स टू 38 एंड 16th टर्म A16 इक्वल्स टू 73, ठीक है। अब ये कंडीशंस लेके स्टार्ट करेंगे। पहले गिवन क्या दे रहा बोलो, A11 इक्वल्स टू 38, 11th टर्म, A11 से बताना। अच्छा 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा ये पता हमें, एक कम है आता A+10D इक्वल्स टू 38। एक काम करो, इसमें से A मान कर, A इक्वल्स टू 38 प्लस 10D उधर ले गए तो -10D, इसको 1 नोट कर लो, ठीक है। वैसे और एक दिया ना भाई, A16 इक्वल्स टू 73। A16 का फॉर्मूला क्या रहेगा, 16th टर्म यानी एक कम करना, A+15D
a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। a अभी मान करने यहाँ से ले लो फ्रॉम वन बल्कि दान हम फ्रॉम वन इक्वेशन में a क्या अपने पास 38 माइनस 8 मिनट 30 a की वैल्यू यहाँ से ले लो फ्रॉम वन a 38 माइनस 10d प्लस 15d इक्वल्स टू 73। 38 उधर लेके चलो 15 माइनस 10 होता 5 5d 73 प्लस 30 उधर लेके तो माइनस 38 तो क्या होगा देखिए 5d इक्वल्स टू 73 में से क्या निकालना है 38 क्या ही ले ले तो 5 यहाँ पे 35 हो जाएगा 35 है ना। अब 5 उधर लेके चलो तो d आता therefore d इक्वल्स टू 35 ये 5 उधर के तो डिवाइड होगा बाय 5 5 वन से 5 7 से therefore d equals to 7 आ गया। अब देखो यहाँ पे d की अलग डालो a आता यहाँ पे d अलग डालो substituting d क्या है अपने को 7 तो क्या आएंगे बोलिए a equals to 38 minus 10 into d क्या आ गया 7 तो a equals to 38 minus तो sorry 38 minus 10 7 से 70 38 minus 70 क्या आएंगे अभी minus का बढ़ाना इसलिए minus 32 हो जाएंगे minus 32। तो हमेशा याद रहना कभी भी a और d आ गया तो अपन को सभी टर्म मान कर सकते हैं a भी आ गया d भी आ गया therefore अपने को 31st टर्म पूछा तो 31st टर्म a 31 इक्वल्स टू फार्मूला क्या रहेगा a प्लस एक कम होएगा 30d तो a आ गया माइनस 32 प्लस 30 इंटू d आ गया 7 माइनस 32 प्लस 7 थ्री 21 120 सॉरी 210। अब 210 में से क्या निकलना है 32 निकलना है अपने को तो क्या ही ले लो 10 माइनस 2 8 यहाँ पे 0 हो गया ना 10 माइनस 3 7 1 तो क्या आएगा 178 बड़ा नंबर प्लस का है ना तो प्लस हो जाएगा 831 यानी 31st टर्म इज 178। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपीआर 4 एंड माइनस 8 इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपीआर 4 एंड माइनस 8 व्हिच ऑफ इट्स टर्म इज 0 देखो स्टार्ट करेंगे गिवन बन के क्या है देखिए अभी क्वेश्चन क्या है थर्ड टर्म इक्वल्स टू 4 पहले थर्ड टर्म दे रहा ना तो थर्ड टर्म 4 बोले सर और नाइन्थ टर्म माइनस 8 बोले सर नाइन्थ टर्म माइनस 8 ये दो सॉल्व करके हम ए और डी मालूम कर लिए जब ए और डी मालूम कर लिए तो बाद में टर्म्स देख सकते हो थर्ड टर्म का फॉर्मूला भी समझाना हमें कैसा लिखना ए प्लस एक कम करना 2d इक्वल्स टू 4 सेम वैसे कर लो इसमें से ए मालूम कर लो ए इक्वल्स टू 4 माइनस 2d इसको वन नोट कर लो। अब यहाँ पे आ जाओ नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा ए प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8 ए अभी मालूम कर इसमें सब कर लो ए की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2d प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8 4 उधर लेके चलेंगे। अब यहाँ पे बोलिए क्या होता है 8d माइनस 2d 8 माइनस 2 क्या तो 6d हो जाएगा 6d इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 4 उधर लेके तो माइनस 4 तो 6d इक्वल्स टू माइनस 12 सीधा कैंसिल कर लो 6 1s 6 2s therefore d इक्वल्स टू आ गया माइनस 2। अब यहां से d यहां पे डालो a आता सब्स्टिट्यूटिंग d ठीक है। अब बोलिए कैसे होगा a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इनटू d क्या है माइनस 2 तो क्या होगा बोलिए a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 प्लस 2 2s 4 तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 a इक्वल्स टू 8 है। अब उन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हिच टर्म इज 0 कभी भी आखिर ना लेट बोल के स्टार्ट कर व्हिच टर्म मालूम नहीं ना अपने को लेट nth टर्म भी 0 बोल के ले लेना है व्हिच टर्म इज 0 तो कौन सा टर्म है नहीं मालूम अपने को फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म कौन सा 0 है पूछ रहा हूं तो लेट nth टर्म बोल के 0 लेना। अब ये सॉल्व करना अगर n की वैल्यू 5 आई तो फिफ्थ टर्म 0 बोले सा n की वैल्यू 10 आई तो 10th टर्म 0 बोले सा n यानी टर्म है ना हाँ नंबर ऑफ टर्म्स बोले सर एन का मतलब क्या है विच टर्म एन इक्वल्स टू 5 यानी फिफ्थ टर्म एन इक्वल्स टू 10 यानी 10th टर्म। अब nth टर्म का फॉर्म लिख दो a प्लस n माइनस 1 इनटू d इक्वल्स टू 0 इसमें a और d रख दो n आता a क्या है अपने पास 8 प्लस n तो नहीं मालूम है मालूम करना a माइनस n माइनस 1 इनटू d क्या है माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ये 8 उधर लेके चले आओ तो क्या आएगा बोलिए n माइनस 1 into minus 2 equals to plus 8 उधर लेके तो minus 8 देखो ये minus minus cancel कर सकते हैं ये 2 इधर ला लो divide हो जाता n minus 1 equals to 8 by 2
एट बाई टू, टू वन जो टू फोर सर, तो क्या आ गया बोले यहाँ पे इधर एन माइनस वन इक्वल्स टू फोर, माइनस वन बदल के जाओ प्लस वन, एन इक्वल्स टू फोर प्लस वन, एन इक्वल्स टू फाइव, देर फोर फिफ्थ टर्म जीरो बोले सर, एन की वैल्यू फाइव आ गया ना, मतलब क्या बोले सर ए फाइव, देर फोर ए फाइव इक्वल्स टू जीरो, दैट इज फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म इज जीरो, इज जीरो, फिफ्थ टर्म इज जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द एपी, एपी मांग कर रहा है, एपी मांग को तो क्या करना, हम एक तीन चार टर्म्स मांग करके छोड़ाना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, हुज थर्ड टर्म इज गिवन, क्या दे रहा है, थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म इज 16, आगे क्या कंडीशन है देखिए, सेवंथ टर्म एग्जिस्ट फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब क्या इसका सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है बोले सर, उस हिसाब से कैसा लिखना है, ए सेवन सेवंथ टर्म equals to fifth term से कितना बढ़ के है plus 12, देखिए seventh term exceeds the fifth term by 12, मतलब यह है कि seventh term fifth term से 12 ज्यादा है, इससे seventh term equals to fifth term plus 12, अब eighth third term क्या दे रहा, 16, third term का formula क्या होता a plus 2d equals to 16, जब से बताया ना 3 है तो एक कम लेते, इसमें से a मांग कर लो, ए हो गया 16 माइनस 2d, 16 माइनस 2d, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या रहेगा लो सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा a प्लस 6d इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म रहेगा a प्लस 4d प्लस 12, दो सेट सेम a a कैंसिल कर लो, a a कैंसिल कर लो, d इधर ला लो, तो ये हो जाएगा 6d प्लस 4d इधर ला, तो माइनस 4d इक्वल्स टू 12, 6 माइनस 4 होता है 2d इक्वल्स टू 12, अब d क्या होगा देखिए इधर लेके जाओ, बल्कि डायरेक्ट कैंसिल कर लो ना, 2 1 जर 2 6 जर, 2 1 जर 2 6 जर, देयरफॉर d की वैल्यू 6 आ गई, अब यहां पे रख डालो a आ जाएगा, देयरफॉर है ना सब्स्टिट्यूटिंग d, a इक्वल्स टू 16 माइनस 2 इनटू d क्या आ गया 6 12, a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 क्या होता है बोलिए 14, सॉरी 16 माइनस 12 इज 4, तो ए भी आ गया अपने को और डी भी आ गया, तो अब जी ए पी कैसे हम कहेंगे थोड़े टर्म्स मांग करके डालेंगे, देयरफॉर ऐसा डर हम ए पी इज अपने जनरल फॉर्म का क्या है, पहले ए है, फिर दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी है, तीसरा टर्म क्या है ए प्लस टू डी, सो ऑन, तीन ही डालेंगे बस, ए क्या है अपने पास 4, ए प्लस डी 4 प्लस 6, ए प्लस टू डी 2 इंटू 6, सो ऑन, तो क्या आएगा देखिए 4 कॉमा 6 प्लस 4 10, 2 6 जा 12, 12 प्लस 4 16 कॉमा सो ऑन, तो डिफरेंस क्या रहा इसका 6 आ रहा, देखिए ए है फर्स्ट टर्म 4, ठीक है, तो फाइंड द एपी बोलते हैं सर, एक तीन चार टर्म्स मांग करके लास्ट में छोड़ा जनरल फॉर्म लिख के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं क्वेश्चन पे तवज्जो नहीं देते, हालांकि क्वेश्चन मेन है, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना फिर समझना, क्वेश्चन जितना आसान हो जाएगा आपको समझना उतना प्रॉब्लम आसान होता है, आप देखिए क्या दे रहा है, द सम, सम बोलते हैं ऐड करना, और फोर्थ टर्म एट टर्म गिवन बोल के स्टार्ट करिए, सम ऑफ फोर्थ टर्म यानी ए फोर प्लस सम ऑफ एट टर्म यानी टेन ए एट इज 24 हो गया, और एक कंडीशन दे रहा है, एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म यानी ए सिक्स प्लस ए टेन, सम ऑफ सिक्स एंड एट टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, हमें बोला हमें हमेशा ये कंडीशंस यूज करके ए और डी मार्क करें, फोर्थ टर्म क्या होता अपने पास, फोर्थ टर्म होता ए प्लस थ्री डी प्लस एट टर्म होता ए प्लस सेवन डी इक्वल्स टू 24, एक काम करो ए प्लस ए होता टू ए प्लस सेवन प्लस थ्री टेन डी इक्वल्स टू 24, अब इसमें से एक काम करो दोनों में से टू कॉमन ले सकते, देखिए ये भी टू से कैंसिल होता है ये भी टू से, तो आप टू कॉमन ले लिए समझो, तो टू बाहर चले गए यहाँ से, तो ए बचा प्लस 10 में से 2 कॉमन ले यानी डिवाइड कर लो सर, 10 बाई 2 है तो 5 डी, क्या करें एक बार रिवाइज कर लो, दोनों 2 से कैंसिल होते इसलिए 2 कॉमन ले, 2 कॉमन ले तो a बचा 2 5 जाता है ना, ये 2 यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकती है, तो सीधा कैंसिल कर लो, 2 1 समझे ना भाई, कैंसिल कर ले सकते हैं 2 1 2 2, तो a प्लस 5 डी इक्वल्स टू क्या आ गया 12, जब से हम इसमें से a मान कर ले रहे ना, a मान कर लो a इक्वल्स टू 12 माइनस 5 डी, इसको वन नोट कर लो, अब यहाँ पे आ जाओ सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा ए प्लस फाइव डी
टेंथ टर्म होएगा ए प्लस 90 इक्वल्स टू 44। अब ये क्या होएगा, ए प्लस ए 2a प्लस 9 प्लस 5 14d इक्वल्स टू 44। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, बोलिए ए प्लस 70 इक्वल्स टू 44। यही बताना, मैं ये 2 दे देता हूँ, डिवाइड होता ना, यानी ये दोनों को कैंसिल कर सकते हो, 2 1s 2 2s 2 2s, तो ए प्लस 70 इक्वल्स टू 22। फ्रॉम 1 यूज कर लो ना भाई, ए की वैल्यू फ्रॉम 1, ए की वैल्यू क्या है अपने पास, ए की वैल्यू है 12 माइनस 5, ये प्लस 70 इक्वल्स टू 22। 12 उधर लेके चले आओ, अपन 12 उधर लेके तो क्या आएंगे, बोले यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 70 माइनस 5 डी 2d आता, उधर 12 लेके चलेगा तो 22 माइनस 12 ये हो गया 10, तो 2d इक्वल्स टू 10, ये भी कैंसिल कर सकते ना, 2 1s 2 5s, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू 5 आ गया। अब d यहाँ पे चलो a आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग d, बोलिए a इक्वल्स टू 12 माइनस 5 इनटू d, d क्या आ गया अपने को 5, तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, a इक्वल्स 12 माइनस 35 क्या होता है, माइनस 13। देयरफॉर 3 टर्म्स पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, 3 टर्म्स, a1 तो h होता, a की वैल्यू माइनस 13, ए टू यानी सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 1d यानी d, तो माइनस 13 प्लस 5 तो ये हो गया माइनस 8, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म मालूम कर लो, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस 2d, ए है माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी क्या है 5, 2 5s 10, 10 माइनस 13 माइनस 3, तो ये हो गया फर्स्ट 3 टर्म्स। लिखते तो फिर एक बार डालो, देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर कोसी कोसी आ गया माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एवरी ईयर, एवरी कितने मिल रहा उसको 5000 हर साल, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 ईच ईयर, यानी हर साल क्या है 200 बढ़ते रहे, पहले साल कितने मिले उसको 5000, दूसरे साल 200 बढ़ गए यानी 5200 हो जाएंगे, 5200 हो जाएंगे, समझे ना भाई, तो वैसे क्या है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 2000 एवरी ईयर ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज सैलरी रीचेस 7000। देखो मैं समझाऊंगा, ऐसा बोलिए भाई, है ना, सैलरी इन 1995 कितनी है, बोलिए रुपीज 5000, तो अगले साल कितने 200 बढ़ जा रहे, तो सैलरी इन 1996 क्या हो जाएंगे, बोलिए रुपीज 5200। वैसी सैलरी रिसीव इन 1997 कितना हो जाएगा, ये बोलिए 200 बढ़ेंगे, है ना, तो एक क्लास ये एपी फॉर्म हो रहा, देखो कैसे बोलो, 200 बढ़ते आ रहे तो ऐड करने से जो फॉर्म होता है उसको एपी बोलते हैं, देयरफॉर एपी इज असल इधरों में 5000, इसके बाद कितना हो रहा 5200 सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना हो रहा 5400। वैसे इन क्या हो रहा है, इन विच ईयर, क्वेश्चन है सब, बढ़ते बढ़ते 7000 कब होता पूछ रहा हूँ, इन विच ईयर, मैं शुरू में बताया था विच मालूम करना है, इन विच टर्म नहीं मालूम है तो nth टर्म सपोज करो, लेकिन पहले सीरीज लेके ए और एन डी डालो, ए यानी फर्स्ट टर्म, तो ए हो गया 5000, डी यानी ए टू माइनस ए वन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5200 माइनस 500 तो ये हो गया 200, तो D आ गया अपने को, A आ गया, कुछ भी मान कर सकते हैं। अब ये कोसा टर्म है, विच टर्म है ना, विच ईयर यानी विच टर्म बोले सही, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, विच ईयर इट्स सैलरी बिकम 7000, तो नहीं मालूम है अपने कोसा है, तो लेट A N सपोज कर लेना 7000। अब N की जो वैल्यू आ रही वो ईयर बोले सा, N बोल अगर N आ गया 7 तो 7th ईयर, A आ गया 10th तो 10th ईयर बोले सा, तो A N का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इनटू D इक्वल्स टू 7000। अब इसमें हम क्या करेंगे, A और D रख डालेंगे, A D N आता, A क्या अपने पास 5000 प्लस N माइनस 1 इनटू D, D क्या है 200 इक्वल्स टू 7000। एक काम करो 5000 उधर लेके चलो, इसको ऐसे दो ना, कैंसिलेशन करने आसान नहीं होती, n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000, 7000 माइनस 5000 क्या होता है 2000,
तो n माइनस वन इंटू टू थाउजेंड इक्वल्स टू सॉरी इंटू टू हंड्रेड इक्वल्स टू टू थाउजेंड। अब 200 मल्टीप्लाई हो रहा उधर लेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे आएगा बोलिए, n माइनस वन इक्वल्स टू 2000 बाई 200 क्या होगा, ये दो दो जीरो कैंसिल, वन सा टेन सा टेन आ गया। अब माइनस वन लेके प्लस वन आता तो n इक्वल्स टू 10 प्लस वन इक्वल्स टू 10 प्लस वन क्या होता है 11 है ना। तो क्या पूछ रहा हूँ, इन विच ईयर हिज सैलरी है ना, हिज सैलरी विल बिकम ऑफ 107,000 आफ्टर 11 ईयर्स है ना। अगर आप देखना चाहे तो 1995 में 11 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो क्या आएंगे लो 6 10 का 0 कैरी 1 10 का 0 कैरी 1 यानी 2006 में इसकी सैलरी किस ऐसा डाल सकते हैं, देयरफॉर आफ्टर 11 ईयर्स आफ्टर 11 ईयर्स हिज सैलरी इज क्या लिखेंगे बोलो 7000 रुपीस। ठीक है रुपीस 7000 या तो ऐसे हो सकते हैं इन 2006 ऐसा भी सकते हो और इन 2006 हिज सैलरी इज रुपीज 7000। ठीक है कैसे लिखो चल जाएंगे आंसर। ये जो है 2005 होगा ये 2006 नहीं होगा सॉरी क्योंकि 11 ये ऑलरेडी एक काउंट हो रहा ना तो खाली ऐसा ही डालो ना तो सीधा आफ्टर 11 ईयर्स है ना। अगर काउंट करें तो 2005 से 2010 तक हो जाता है 11 ईयर्स 2005 तक है ना, खाली ऐसा ही डालो आफ्टर 11 ईयर्स ही सैलरी इज रुपीज 10000 रुपीज 7000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, देखो पहले 10 एंड 250 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स मान कर तो हम लिख डालेंगे अपन द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर। बोलिए आप लोग कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10 तो 4 से नहीं आता, 4 के मल्टीपल्स हो तो 11 भी नहीं आता 12 जाता, तो पहला नंबर आएगा 12, उसके बाद फिर 4 का मल्टीपल क्या होगा 16 होगा, इसके बाद फिर 4 का मल्टीपल 20 हो जाएगा, इसके बाद 4 का मल्टीपल 24 हो जाएगा, ऐसी कहाँ तक जाना है बोलो 250 तक जाना है। आप देखो 250 4 से डिवाइड नहीं होता तो 250 से ज़रा पहले आ जाओ 259 भी ना होता 258 होता क्या, देखो 258 है ना 258 भी ना होता कैसा बोलिए आप 259 258 है ना, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो रहा तो 7 भी नहीं होता 6 होता, देखिए 256 इज डिविज सॉरी पीछे करते रहे ना सॉरी एक कम गए तो क्या हो गया 249 डिवाइड ना होता 4 से 8 4 से डिवाइड होता ना तो लास्ट नंबर क्या आएगा 248 250 से पहले हो रहा ना, फिर एक बार रिवाइज करो 10 और 250 के बीच है तो 10 तो नहीं होता 11 नहीं 12 से स्टार्ट होता 12 16 24 के मल्टीपल सही 24 लास्ट में 250 4 से डिवाइड नहीं होता तो अब उल्टाएंगे ना उससे पहले का होना 249 नहीं होता 248 होता 4 6 4 2 4 तो ये नंबर्स है ना ये है मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल्स है बोलते ये फर्स्ट मल्टीपल है ये सेकेंड है ये थर्ड है ये फोर्थ है ये कोसा मल्टीपल है ना तो nth मल्टीपल बोल के ले लेना। अब n की वैल्यू जो भी आई अगर n की वैल्यू 15 आई तो 15th मल्टीपल है ना 15 टर्म्स बोले हाउ मेनी मल्टीपल्स है ना तो n मालूम करना। अच्छा इसमें a क्या बोलो अपने पास a है फर्स्ट टर्म 12 और d क्या है कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 क्या हो गया बोलो 4 ए और डी आ गया तो कुछ भी मालूम कर सकते हैं अपने को। मैं शुरू से समझाना भाई कोसा टर्म है नहीं मालूम है तो लेट nth टर्म लिख डालना लेट क्या लिखना बोलो nth टर्म इक्वल्स टू 248। अब n की जो वैल्यू आएंगी वो टर्म रहेगा वो n की वैल्यू जो भी आ जाएगी वो टर्म हो जाएगा 248। ठीक है तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स वही हो जाएंगे। अब इसके लिए बोलिए ए एन का फॉर्मूला डालो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 248। ठीक है अब इसमें ए की वैल्यू डालो 12 हो गई प्लस एन एज इट इज माइनस वन एज इट इज इंटू डी डी की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू 248 है ना। एक बार रिवाइज कर लो ए के पे 12 डालना है एन वैसे ही डालना एन की वैल्यू तो मालूम करना है डी की वैल्यू 4 ये 12 उधर लेके चलो 4 पहले डालना है 4 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 248 माइनस 12 कहेंगे बोलिए 4 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स इसमें से 12 निकाल तो कहेंगे 236 हो जाएगा 236। अब ये 4 उधर क्या डिवाइड हुआ था तो n माइनस वन इक्वल्स टू 236 डिवाइडेड बाय 4 इसको कैंसिलेशन कर लेंगे हम देखिए 4 वन ज़ा 4 फाइव ज़ा 20 4 फाइव ज़ा 20 3 बचाना 36 4 नाइन ज़ा 36 तो n माइनस वन इक्वल्स टू 59 आ रहा माइनस वन उधर लेके चलो n इक्वल्स टू 59 प्लस 1 देयरफॉर n इक्वल्स टू बोलिए 16 तो कितने मल्टीपल्स ऑफ लेस आर देयरफॉर है ना 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 60
मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन, क्या लिखेंगे बोलिए भाई, लाई बिटवीन 10 एंड 250, लाइज बिटवीन 10 एंड 12 250. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 7. थ्री डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 99 तक जो है टू डिजिट रहते हैं. थ्री डिजिट यानी ये 100 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, थ्री डिजिट कहाँ तक जाएंगे, लास्ट 999 तक, है ना. इसके ऊपर गए तो फोर डिजिट होता है, इसके नीचे गए तो टू डिजिट. तो थ्री डिजिट नंबर्स आर कहाँ है, पहले एक दाल में थ्री डिजिट नंबर्स आर कहाँ से कहाँ तक रहेंगे भाई, 100 to 999. अब इसके बीच में 7 से डिवाइड होते हैं, सो नंबर्स पूछ रहा है. स्टार्ट करेंगे, 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, देखो 7 7 1 7 8 9 10, 3 बचाना तो 30 थोड़ी होता, 30 भी नहीं होता, 31 भी नहीं होता, 32 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, 33 भी नहीं होता, 34 भी नहीं होता, 35 होता. तो यहाँ पे 5 रहना चाहिए. तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 105 आएगा. कैसे बोलिए, 105 आएगा, जो सबसे पहला नंबर 7 से डिवाइड होने वाला, 3 डिजिट. 7 1 7 8 9 10, 3 बचा 35, 7 5 35. तो देयरफॉर है ना, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर. बोलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहला नंबर रहेगा 105, इसके बाद फिर 7 से डिवाइड होने वाला, तो इसमें 7 ऐड कर लो, 112, फिर इसमें 7 ऐड कर लो, 119. तो ये नंबर्स है जो 7 से डिवाइड होते हैं, थ्री डिजिट नंबर्स. अब लास्ट को सा ले सकते हैं हम, 998, इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 7 8 9 2 बच गया 28, 7 4 28, 1 बचा. अब 19 तो 7 से डिवाइड नहीं होता, पीछे आते जाओ, 19 7 से डिवाइड नहीं होता, तो इस थोड़ा पीछे आ जाओ, 19 मतलब 18 भी डिवाइड नहीं होता 7 से, और 17 भी नहीं होता 7 से डिवाइड, है ना. 19 से रिवर्स ले रहे पा, 17 16 15 14, तो 14 होता डिवाइड से, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए. अब बोलो आप, 9 7 1 7 7 4 28 7 2 14, तो लास्ट नंबर को सहेंगे 994, है ना. तो अब ये बोलिए आप लोग, ये फर्स्ट टर्म है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये कोसाइन मालूम है, तो शुरू से बताओ ना, इसको ए एन सपोज कर. अब एन की जो वैल्यू है उतने नंबर है, तो ए क्या है अपने पास, ए है 105, और डी क्या रहेंगे, T2 - T17 आ जाएंगे ना, 7 के मल्टीपल्स है, तो D2 - T17 हो गया. अपने को ये नहीं मालूम, इसलिए क्या करना, हम nth टर्म है समझना, 994. अब एन की जो वैल्यू आ गई वो टर्म है बोले सा, एन का एक एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इक्वल्स टू 994. कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है तो nth टर्म सपोज करते हैं. ए क्या है 105 प्लस एन तो मालूम करना है, माइनस वन इंटू डी क्या है 7 इक्वल्स टू 994. ये 105 उधर लेके चलो, ये 7 पहले एक दरों में 7 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 994 माइनस 105, ठीक है. अब ये देख लेंगे क्या होता है, देखो 7 इंटू एन माइनस वन इक्वल्स टू 994 में से 105 निकालना है, क्या ले लो भाई यहाँ से, तो ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो क्या आएंगे बोलिए 889, है ना. अब ये 7 उधर लिखा डिवाइड हुआ था, क्या बचेगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 बाय 7. इसको 7 से कैंसिल कर लो, 7 1 7 7 1 7, 1 बचाना, 7 2 14, 4 बचाना 49, 7 7 49. अब माइनस उधर लिखे जाओ, n इक्वल्स टू 127 प्लस 1, therefore n equals to 128, है ना. तो कितने नंबर्स आएंगे, 7 से डिवाइड होते, सो 3 डिजिट नंबर्स आर 128, therefore 3 डिजिट नंबर्स divisible by 7 आर कितने रहेंगे, 128. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको लास्ट कर देंगे इंशाल्लाह. इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो. पहले रो में क्या है, एक फ्लावर बेड है, कोई गार्डन है समझो, है ना. उसमें सबसे पहले रो में 21 प्लांट्स है फ्लावर्स की, फिर सेकेंड रो में 21 प्लांट्स है, फिर थर्ड रो में 19 प्लांट्स, ऐसा रोज कम करते जा रहे, तो दो प्लांट्स है ना. और लास्ट में क्या है, देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, लास्ट रो में 5 प्लांट्स बच गए, तो हाउ मेनी रोज आर देर इन द फ्लावर प्लांट, है ना. इसको मैं थोड़ा फिगर लाइट समझा दूँ मैं फिर एक बार भाई, मिसाल के तौर पर यहाँ पे वॉच करिए. पहले उसमें है ना फ्लावर के प्लांट्स है ना, सपोज कितने प्लांट्स है वैसे, ये 20 23 प्लांट्स है ना. इसके बाद थोड़े मिसाल के तौर पे है ना दो कम कर दिए,
तो नेक्स्ट उसमें कितने हो गए 21, फिर दो कम कर दिए, नेक्स्ट उसमें हो गए 19, ऐसा होते होते एक बार है ना आखिरी में क्या बच रहा, सिर्फ 5 बच रहे। कितने बच रहे बोलो, 1 2 3 4 5 बच रहे। ये 5 जो बच रहे ये कोसा होता है ना, यहाँ पे 5 बचे, जैसा ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, वैसा ये कोसा रो होता है ना, एंथ रो मालूम करना, और क्या एंथ रो मालूम करना, ठीक है। सॉरी आपको दिखा रहे हैं, अब देखो कैसा स्टार्ट करेंगे, गिवन सीरीज है ना, गिवन प्रोग्रेशन इज, प्रोग्रेशन बना रहे अपन कैसा बोलो, सबसे पहले क्या है आपके पास 23 है, ठीक है समझ गए ना, इधर लेंगे अब सबसे पहले हमारे पास क्या है 23 रोज है, रोज प्लांट्स है, अब उसके बाद दो कम हो गए तो 21 हो गए, फिर दो कम हो गए तो 19 हो गए, वैसे ही होते होते आखिरी में 5 बचे, ये कोसा रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो, ये कोसा रो है। तो अपन ऑलरेडी मान लो भाई ए है अपने पास 23 और डी क्या होता है T2 - T1, ये माइनस का बड़ा है ना तो -2, मैं शुरू से बताऊँ ये कोसा रो है नहीं मान, ये कोसा है मान नहीं, तो एंथ ले लेना, लेट एंथ रो इक्वल्स टू 5 है ना। अब एन आ गया, जो भी एन की वैल्यू आ गई उस वैल्यू प्लस है उसका, वो रो है प्लस है। अब ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5, ए की वैल्यू 23 है, ए की वैल्यू 23 है, प्लस इसको ऐसे डालो एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इक्वल्स टू 5, 23 उधर लिखे चलो, ये माइनस 2 पहले डालो, माइनस 2 इंटू एन माइनस 1 equals to 5 minus 23 होता minus 18, minus 2 into n minus 1 equals to minus 18, minus minus कैंसिल कर ले, 2 भी कैंसिल कर लो ना भाई, 2 1s और 2 9s खत्म, कैंसिल कर सकते हैं, minus 1 लेके जाओ plus 1, तो n equals to 9 plus 1, therefore n equals to 10, therefore है ना 10th row में 5 plants बचेंगे बोले सर, therefore 10th row have 5 rows plants ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह भाई ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट पार्ट में सम के सब फॉर्मूलेस देखेंगे इंशाल्लाह। भाई आप लोग से गुजारिश है भाई आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी कहिए इंशाल्लाह।